थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक पेज नंबर 44 लेसन नंबर 32 प्रोनाउंस. रोहन हैज टू स्टडी बट रोहन इज स्लीपिंग. वेक रोहन अप. वेक रोहन अप. सी फर्स्ट वी यूज द नेम ऑफ रोहन हियर इन सेंटेंस. रोहन हैज टू स्टडी. फर्स्ट हमने क्या यूज किया? रोहन का नेम यूज किया. क्या यूज किया हमने? रोहन का नेम यूज किया. बट सेकेंड टाइम हमने क्या कहा? बट रोहन इज स्लीपिंग. वेक अप रोहन अप. सेकेंड टाइम भी रोहन यूज किया. और हमेशा ऐसे ही सारे नेम्स बार बार हर सेंटेंस में लेना पॉसिबल नहीं होता है. तो हम क्या कहते हैं? रोहन हैज टू स्टडी बट ही इज स्लीपिंग. वेक अप रोहन. वेक अप रोहन आप ऐसे कहते हैं ना हम लोग. समटाइम हम नेम कॉल करते हैं, समटाइम नेम के बजाय हम अगर बॉय है तो ही यूज करते हैं और गर्ल है तो शी का यूज करते हैं. तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर. इंस्टीड ऑफ क्या कहा हमने? इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग द नाउन इट मीन्स रोहन या किसी पर्सन का नेम रिपीट करने की बजाय जब हम ही शी या इट का यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. अगर बॉय है तो ही का यूज करते हैं, गर्ल है तो शी का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है तो हम इट का यूज करते हैं. नाउ लुक एट हियर. अंडरलाइन द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. नैना इज माई नेबर. सी नैना इज माई नेबर. शी लाइक्स टू प्ले टेनिस. नैना इज माई नेबर. इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई नेम आई रोट हियर नैना इज माई नेबर. इन सेकेंड सेंटेंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग हर नेम आई यूज शी. हमने क्या यूज किया? शी का यूज किया क्योंकि वो गर्ल है इसलिए क्या यूज किया? शी. ओके हमें इसी को अंडरलाइन करना है. दोस क्लोथ्स आर योर्स. टेक देम विथ यू. दोस क्लोथ्स आर योर्स. तो यहाँ पे अंडरलाइन किसे करेंगे हम? योर्स. वट टू डू? यू हैव टू underline the word your. Then take them with you. Them को underline करेंगे. Okay, next. Hina's mother told her to buy the book. See, Hina's mother told her. अब हीना के name के बजाय हमने क्या use किया? Her. क्योंकि वो girl है इसलिए her का use किया है और उसी को हमें underline करना है. ये pronoun है यहाँ पे. This car is old. It broke down on the way. We are talking about car. It is non-living thing. Car क्या है? Non-living thing है. इसीलिए sentence में, next sentence में it broke down on the way use हुआ है. तो it क्या है हमारा यहाँ पे? Car के लिए use होने वाला pronoun. Okay, underline करना है. The children laughed when they saw the clown. Children laughed. किसे देख के सब children हंसे? Clown को देख के. The children laugh when they saw the clown. Children more than one person है ना? Many per children मतलब child का many children होता है. इसलिए हमने यहाँ पे क्या use किया pronoun में? They. और उसी को हमें underline करना है. Okay? The doctor asked the patient how he felt. The doctor asked the patient. We are talking about patient है ना? Patient के बारे में बात करें तो यहाँ patient के लिए कौन सा pronoun use हुआ है? He. हमें ही को अंडरलाइन करना है. ओके, नेक्स्ट. गैरी एंड आई आर फ्रेंड्स. आई हमने अपना नेम लिखा है. नो आई यूज किया तो आई क्या है यहाँ पे? हमारा प्रोनाउन है. वी लाइक टू प्ले चेस टूगेदर. अभी गैरी और आई के लिए क्या यूज हुआ है? वी. तो वी हमारा प्रोनाउन है जिसे हमें अंडरलाइन करना है. द प्रेसिडेंट मीट द वर्कर्स. हु मीट द वर्कर्स? द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट क्या है यहाँ पे? ही. बॉय मैन है इसलिए क्या यूज हुआ है उनके लिए? ही. और ही यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है उसे हमें अंडरलाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट इट इन योर नोटबुक. सी मोर वर्क, मोर सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस. रीमा इज माई सिस्टर. शी लाइक्स टू प्ले टेनिस. तो आप इसे किसमें किसे अंडरलाइन करोगे? रीमा इज माई सिस्टर. यू हैव टू अंडरलाइन द शी वर्ड. शी इज द प्रोनाउन. ओके. दिस चेयर इज ओल्ड. दिस चेयर इज ओल्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट चेयर. इट ब्रोक डाउन इफ यू विल सिट. तो आप किसे अंडरलाइन करोगे? आप इट को. द चिल्ड्रन लाफ व्हेन दे सॉ मंकी. द चिल्ड्रन लाफ व्हेन दे सॉ मंकी. सो यू हैव टू अंडरलाइन दे. C.
सीमा इज गुड गर्ल, एवरीवन लाइक्स हर। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंस में? हर। दिव्या इज माई नेबर, शी इज वेरी हेल्पफुल गर्ल, शी इज प्रोनाउन हियर। ओके स्टूडेंट, राइट दिस इन योर नोटबुक।